ये 10 दिनों के मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हैं। सिंह टीटी, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी 10 दिन ही तो गुजरे हैं। पूरे तामझाम के साथ सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को भजन लाल कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। न सिर्फ मंत्री जी को बल्कि उनकी पार्टी को भी पूरा भरोसा था कि विधायकी में इनकी जीत तो पक्की है। सो पार्टी ने इसी भरोसे पर बिना चुनाव का इंतजार किए नेताजी को मंत्री बना दिया। लेकिन ये जो पब्लिक है सब जानती है किसे जिताना है और किसे हराना। सो 10 दिनों के मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के साथ जनता ने कांड कर दिया। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की करनपुर विधानसभा सीट के नतीजों का ऐलान हुआ तो 10 दिनों के मंत्री जी कांग्रेस उम्मीदवार से चुनाव हार गए। मंत्री जी को मिली इस करारी हार के बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने न सिर्फ कांग्रेस प्रत्याशी को जीत की बधाई दी बल्कि बीजेपी को नैतिकता का पाठ भी पढ़ाया। अशोक गहलोत ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, श्री करनपुर में कांग्रेस प्रत्याशी श्री रुपेंद्र सिंह कुन्नर को जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये जीत स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर के जनसेवा कार्यों को समर्पित है। श्री करनपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अभिमान को हराया है। चुनाव के बीच प्रत्याशी को मंत्री बनाकर आचार संहिता और नैतिकता की धज्जियां उड़ाने वाली भाजपा को जनता ने सबक सिखाया है। दरअसल राजस्थान के जिस विधानसभा सीट से मंत्री जी को हार मिली है वहां राजस्थान विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच ही कांग्रेस उम्मीदवार और तत्कालीन विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के चलते मतदान स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद उपचुनाव की घोषणा हुई तो कांग्रेस ने कुन्नर के बेटे रुपेंद्र सिंह को इस सीट से मैदान में उतारा था। मंत्री बनने के बाद सुरेंद्र पाल सिंह अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त थे। उन्होंने कहा था कि श्री करनपुर के मतदाता बहुत समझदार हैं, मैं चुनाव जरूर जीतूंगा। लेकिन उपचुनाव के नतीजे आए तो मंत्री जी के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि 10 दिन के मंत्री जी के साथ जनता ने कांड कर दिया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।